हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है, ये लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसी का नेक्स्ट डे का व्लॉग है और ये है 11 मुहर्रम का व्लॉग। तो जी, अभी जो बज रहे हैं ये दोपहर के 1 बज रहा है या 1:15 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर अभी मैंने आज सुबह का व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अगर मैं सुबह का जो व्लॉग रिकॉर्ड करती तो मुझे, मतलब जो मेरे 1 बजे में ये व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ इसके मुझे 3 बज जाते, क्योंकि ये होता है 5 मिनट का भी जो काम होता है ना, वो व्लॉग की वजह से 10 या 15 मिनट का तो खुद ही चला जाता है। खैर, यहाँ पे ये मैंने अपना जो ड्रेस प्रेस कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे ये मैं मूसा का ड्रेस निकाल रही हूँ। मूसा का ये ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ है। आज मूसा जो है वो ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ पहनेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से मूसा की चीज़ें और कपड़े निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि जब तक वो सो रहा होता है तो मेरा यही होता है कि जल्दी जल्दी से जो काम है मैं वो कर लूँ। यहाँ पे मैं उसके पैम्पर्स और उसके जो वाइप्स और उसकी बिब और ना उसका एक ड्रेस और शॉपर वगैरह ये मैं रख रही हूँ कि कहीं अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उसको चेंज करवा दूँ। यहाँ पे मैंने मूसा का जो सारा सामान ये बैग में रख लिया था, उसके बाद मैं जो अपनी चीज़ें थी वो निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी सैंडल निकाल, स्लीपर जो है वो मैंने निकाल के रख दी है। और यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी निकाल रही हूँ। खैर, वैसे मेरे पास कोई इतनी खास ज्वेलरी है नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ब्रेसलेट, ये मूसा को मूसा की जो आपी हैं उन्होंने गिफ्ट करा था, इकरा आपी और अन्नू आपी ने उसे जो उसकी बर्थ पर गिफ्ट करा था। बाकी जो मूसा की जो खाला हैं उन्होंने मूसा को गिफ्ट करा था। ये मूसा की रिंग है, बट अभी ये थोड़ी बड़ी है। मिफ्रा खाला ने मूसा को ये रिंग गिफ्ट करी थी, बट ये आई थिंक 1-1.5 साल का होगा तब इसको आएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ ये वहीं पर ही रखी हुई थी। खैर, मेरे पास इतनी कोई ख़ास ज्वेलरी है नहीं। जो मेरी शादी, मतलब जहेज़ और जो मैंने अपनी बरी में ली थी वही ज्वेलरी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा कोई शौक़ है नहीं ज्वेलरी पहनने का। और बेबी के बाद तो मुझे लगता है चूड़ियाँ भी पहनो तो ऐसा लगता है कि उसे चुभना रही हूँ, उसको गोद वगैरह में उठाने में मसला होता है। तो यहाँ पे ये मैं अपनी जो, बस मैंने एक चूड़ियाँ हैं मेरी 4 कड़े हैं, बस जहाँ जाना होता है मैंने वही पहन के चले जाना होता है। खैर, यहाँ पे ही मैं रेडी हो गई हूँ। जो मेरा प्यारा सा जो ड्रेस है ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट करा था। और अब वैसे भी बेबी के बाद तो ये होता है कि पहले जैसा तैयारी वाली बात ही नहीं रहती, तो बाल तो हम लोगों ने खोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने पीछे अपने बालों को फोल्ड करके, हेयर्स को फोल्ड करके यहाँ पर मैंने जूड़ा बना लिया था। तो अब यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मूसा को जो है वो मैंने उसे भी रेडी कर लिया था। उसके बाद अब यहाँ पे है ना, ये मैंने अपनी जो चूड़ियाँ मैंने आपको बताया था जो कड़े थे वो पहने। यहाँ अब दोपहर में जा रहे थे हम लोग, अभी बज रहे हैं 2:15 या 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सन ब्लॉक लगाया और वो जो मिस रोज़ का जो शाइनर है मैंने हल्का सा बस नोज़ पर वो लगाया। और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, यहाँ पे मैंने लिपस्टिक भी लगा ली। और मूसा जो था उसको मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। सबसे पहले मैं मूसा को रेडी करती हूँ, कपड़े में पहले पहन लेती हूँ, फिर मैं जो खुद का थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह जो होता है वो मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पे मूसा जो है वो रेडी हो चुके हैं और हम लोग बस जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं। तो जी, यहाँ पर अब हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। मूसा जो है वो रास्ते के अंदर सो चुके थे। जी, यहाँ पे हम लोग घर में आ चुके हैं और बहुत मज़ा आया था। नाना नानी जी, उन्होंने मूसा का बहुत अच्छे से वेलकम किया था और उन्होंने मूसा को बहुत ही कोई प्यारे से, मतलब ड्रेसेस गिफ्ट करे थे, वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी। तो जी, आज का जो मौसम था ना, आज का क्या कराची का जो भी मौसम है वो वैसे ही बहुत ही कोई मज़े का चल रहा है। 10-15 दिन से हल्की हल्की सी बारिश हो रही होती है, बूंदाबांदी हो रही होती है। तो जी, यहाँ पे हम लोग 14th फ्लोर पर आए थे, तो मैं यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ये अभी 3 या 4 बजे का टाइम, 3-4 तो खैर हम आए थे, 5 बजे का टाइम हो रहा है, बट ज़रा सी भी धूप नहीं है, बहुत ही कोई अच्छा सा मौसम हो रहा है ना।
और यहाँ पे ये देखिए जो कार्ड्स वगैरह हैं ये इतनी ऊंचाई से कैसी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है बच्चों की जो वो लॉटरी में निकलती है ना 5-5 रुपये वाली गाड़ियाँ, वो लग रही हैं। खैर फिर हम लोग वहाँ से एक जगह और गए थे, फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए थे, हमें घर आते करते 7-7:30 बज गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैं दिखाती हूँ मूसा को, जो मेरी तो हम मेरी और डैम की नानी लगी और मूसा की जो है वो बड़ी दादी हैं, तो मूसा को उनकी बड़ी दादों ने क्या गिफ्ट करा, उन्होंने मुझे ब्यूटीफुल सा पर्स गिफ्ट करा है और मूसा की जो दादी हैं उन्होंने को मतलब उन्होंने अपनी बेटी को ना एक ड्रेस गिफ्ट करा था, वो मेरे पास था नहीं, वरना भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती दिखाती, बहुत खूबसूरत सा ड्रेस था वो भी। बाकी उन्होंने मूसा को एक ये शर्ट गिफ्ट करी है, कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा है बिल्कुल लड़कों, वरना अभी तक हमने इसके जितने भी कपड़े लिए ना वो बिल्कुल बेबीज़ टाइप के जो थे ना वो, ये बहुत अच्छी लग रही, जैसे बड़ों की आती है उस तरीके की अच्छी है। इसके बाद उन्होंने ना इसके साथ जो ट्राउज़र गिफ्ट करा है ना वो बहुत ही कोई अच्छा है, वो अभी ना मैं दिखाती हूँ आपको, उससे पहले आप ये देख लें ये वाला जो ड्रेस है ये भी कितना क्यूट सा आएगा, मूसा का छोटू सा गिफ्ट, छोटू सा ड्रेस है ये, मुझे लग रहा है इसके अभी ये आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो ड्रेस है ना ये न्यू बॉर्न से 3 मंथ तक का है आई थिंक ना, और माशाल्लाह से मूसा की अभी हाइट वगैरह भी बढ़ रही है तो इसलिए इसको फ़ौरन ही आ जाएगा। बाकी एक ये वाला ड्रेस था ये मुझे बहुत ही कुछ ज़बरदस्त लगा, बहुत मेरा मुझे तीनों ड्रेस में सबसे ज़्यादा पसंद ये वाला है। एक तो मुझे ना लाइट कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट सा लग रहा है ये। इसका जो ये ट्राउज़र है ये देखिए ये कितना प्यारा बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा ड्रेस है।